आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑल पार्टी मीटिंग में बोले मोदी, हमने अमान बरकरार रखने की अपील। बॉलीवुड के किंग खान को यूएस के एयरपोर्ट पर 3 घंटों तक हिरासत में रखा गया। लोटा मुक्ति के लिए सरकार ने किया 24 करोड़ रुपयों का ऐलान। बुनकर उद्योग को लेकर लोकसभा में गूंजी आवाज। जिला जलगांव के बोरुड़ में महिला क्लर्क ने किया लाखों का गबन। मनमाड़ बचाओ पूर्ति समिति के माध्यम से तहसील को लेकर मनमाड़ शहर में जबरदस्त मोर्चा। मालेगांव के गिरना नदी से फिर निकाली गई एक लाश। मालेगांव शहर के एमएलए आसिफ शेख ने किया अपने रहनुमाओं को याद। नहीं रहे पाकिस्तान के लिटिल मास्टर मोहम्मद हनी। मालेगांव शहर के बड़े सनतकार नसीम खान वजीर खान साहब को अक्सा फाउंडेशन की चेयरमैनशिप मिलने पर कई लोगों ने दी मुबारकबाद। सुपरस्टार रजनी की फिल्म कबाली को हिंदी में करेंगे बिग बी। मिस्टर परफेक्ट और बिग बी नजर आएंगे पहली बार एक साथ। ऑल पार्टी मीटिंग में बोले मोदी, अमन अमान बरकरार रखने की अपील। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पोक भारत का ही हिस्सा है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हम कश्मीर के मसले को सुलझाने में पूरी तरह सरकार की मदद करेंगे। बॉलीवुड स्टार किंग खान को यूएस के एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक हिरासत में रखा गया। भारत में मौजूद अमेरिका के राजदूत रिचर्ड ने मांगी माफी। शाहरुख खान ने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं प्रोटोकॉल को अहमियत देता हूँ, आपकी चिंता का शुक्रिया। नहीं रहे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर लिटिल मास्टर मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ के इंतकाल ने पूरी क्रिकेट की दुनिया पर शोक जारी कर दिया। आईसीआईसी चीफ ने कहा, मोहम्मद हनीफ की खिदमत अनमोल थी, कई खिलाड़ी अंतिम संस्कार में पहुंचे, नम आंखों से किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से सरकार ने जिला परिषद की जल आपूर्ति विभाग को गांव और देहातों में शौचालय निर्माण करके लोटा मुक्त करने का जुम्मा सौंपा। इस मामले में केंद्र ने 60% अनुदान और जबकि राज्य सरकार ने 40% अनुदान देने का वादा किया। बुनकर उद्योग को लेकर लोकसभा में गूंजी आवाज। कांग्रेस सदर अशोक चौहान के साथ बीजेपी के एमपी कपिल पाटिल के साथ एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी ने रखी लोकसभा में अपनी बातें। जिला जलगांव के ब्रूड़ में महिला क्लर्क ने किया लाखों का गबन। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बरूड शाखा में एक महिला क्लर्क ने विड्रॉल स्लिप और एफडी के जरिए 72 लाख रुपए का गबन किया। पुलिस तहकीकात में जुटी। मनमाड़ बचाओ कुर्ती समिति की माध्यम से तहसील की मांग को लेकर मनमाड़ में जबरदस्त मोर्चा। जिला नासिक में मालेगांव के बाद मनमाड़ एकमात्र बड़ा शहर होने के बावजूद अब तक तहसील नहीं बनाया गया, आवाम भड़की। मालेगांव शहर के एमएलए आसिफ शेख ने अपने रहनुमा हाजी शब्बीर सेठ और मरहूम हारून अंसारी को याद करते हुए श्रद्धांजलि पेश की। मालेगांव शहर की गिरना नदी से फिर निकाली गई लाश। पिछली बार भी बह रहे इरफान अहमद को शकील तैराक ने बचाया, घर वालों ने किया शुक्रिया अदा, हालांकि प्रशासन ने नदी में नहाने से आवाम को मना किया। मालेगांव शहर के बड़े सनतकार नसीम खान वजीर खान साहब को अक्सा फाउंडेशन की चेयरमैनशिप मिलने पर कई लोगों ने दी मुबारकबाद। हम हमारे चैनल की जानिब से भी मुबारकबाद पेश करते हैं। सुपरस्टार रजनी की फिल्म कबाली को हिंदी में करेंगे बिग बी। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि रजनीकांत की फिल्म कबाली को हिंदी में करना चाहते हैं बिग बी। इससे पहले भी दोनों ने साथ काम किया। मिस्टर परफेक्ट और बिग बी बहुत जल्द साथ नजर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान अपने आने वाली फिल्म ठग में साथ नजर आएंगे। ये थी देश और दुनिया की बड़ी खबरें। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए जनता जवाब न्यूज। देखिए सच, सच्चाई के साथ।